अक्सर लर्नर कंडीशनल सेंटेंस को लेकर कंफ्यूज रहते हैं और वे नहीं समझ पाते हैं कि कैसे सही तरीके से कंडीशनल सेंटेंसेस बोलें। अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये सेंटेंस सही है तो आप क्या कहेंगे? यानी यहाँ पर मैंने लिखा है इफ आई हैड एन अम्ब्रेला आई वुड गिव यू। यहाँ मैंने वुड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बोला है जो है गिव। तो क्या ये सेंटेंस सही है? अगर आप मुझसे पूछे तो मैं आपसे कहूँगा हाँ ये सेंटेंस सही है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यहाँ वुड के बाद हैव प्लस थर्ड फॉर्म आना चाहिए, जबकि ऐसी बात नहीं है। वुड के साथ हैव प्लस थर्ड फॉर्म का अलग कंसेप्ट है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगा। तो आइए फ्रेंड्स कंडीशनल सेंटेंसेस को बारीकी से समझें। कंडीशनल सेंटेंसेस यानी वो सेंटेंसेस जिसमें शर्त होता है या कंडीशन लगा दिया जाता है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो वैसा होगा या अगर ऐसा नहीं करोगे तो वैसा नहीं होगा। जैसे अगर तुम कड़ी मेहनत करोगे तो पास होगे, अगर तुम पैसा बचाओगे तो अमीर हो जाओगे, यानी नहीं बचाओगे तो अमीर नहीं होगे, अगर बारिश हुई तो मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, यानी अगर बारिश नहीं हुई तो मैं वहाँ जाऊँगा। तो यहाँ इस तरह के सेंटेंसेस में दो पार्ट होते हैं, जहाँ पहले वाले सेंटेंस में शर्त लगा दिया जाता है। आइए इन सभी बातों को जरा डिटेल से समझें। कंडीशनल सेंटेंसेस तीन तरह के होते हैं। पहला, जब इफ क्लॉज प्रेजेंट टेंस में हो, दूसरा जब इफ क्लॉज पास्ट टेंस में हो, और तीसरा जब इफ क्लॉज परफेक्ट टेंस में हो। तो आइए इन तीनों को अलग अलग समझें। एक कंडीशनल सेंटेंसेस के दो पार्ट होते हैं, पहला इफ क्लॉज और दूसरा मेन क्लॉज। इफ क्लॉज में हम कंडीशन की बात करते हैं यानी शर्त वाली बात करते हैं, जबकि मेन क्लॉज में हम रिजल्ट की बात करते हैं यानी वहाँ पर हम बताते हैं कि ऐसा होगा या वैसा होगा। तो अगर आपको एक ऐसा सेंटेंस मिले जिसका दोनों क्लॉज फ्यूचर में हो, जैसे अगर तुम पढ़ोगे तो तुम पास हो जाओगे, यहाँ इफ क्लॉज फ्यूचर में है और मेन क्लॉज फ्यूचर में है, तो इस तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए आप इफ क्लॉज को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के मदद से ट्रांसलेट करेंगे, जबकि मेन क्लॉज को ट्रांसलेट करने के लिए आप विल का इस्तेमाल करेंगे यानी शैल या विल का इस्तेमाल करेंगे। जैसे अगर तुम पढ़ोगे तो तुम पास हो जाओगे, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे इफ यू रीड यू विल पास। यहाँ मैंने अपने पहले सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के मदद से ट्रांसलेट किया, यानी इफ वाले क्लॉज को मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के मदद से ट्रांसलेट किया और मेन क्लॉज को मैंने विल के मदद से ट्रांसलेट किया। तो आप ये बात याद रखेंगे कि अगर आपको एक ऐसा कंडीशनल सेंटेंस मिला जिसके दोनों क्लॉज फ्यूचर में हो, तो इस तरह के कंडीशनल सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए पहले हिस्से को आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के मदद से ट्रांसलेट करेंगे और दूसरे पार्ट यानी मेन क्लॉज को आप विल के मदद से ट्रांसलेट करते हैं। आइए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। अगर तुम आओगे तो मैं तुमको पढ़ाऊंगा, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे इफ यू कम आई विल टीच यू। यहाँ एक और जरूरी बात मैं आपको बता दूं कि कई बार इस तरह के सेंटेंसेस में आता है तो या तब, जैसे अगर तुम यहाँ आओगे तो मैं तुमको पढ़ाऊंगा या अगर तुम यहाँ आओगे तब मैं तुमको पढ़ाऊंगा। तो अगर आपके दोनों सेंटेंस के बीच में आ रहा है तो या तब, तो इसके लिए आप सिर्फ कॉमा का इस्तेमाल करेंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पर किया हुआ है। अगर तुम हल्ला करोगे मैं तुमको मारूंगा, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे इफ यू मेक अ नॉइज आई विल बीट यू, यानी अगर तुम हल्ला करोगे तो मैं तुमको मारूंगा, अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम पास हो जाओगे, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, यानी अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम पास हो जाओगे। यहाँ मैंने इफ क्लॉज को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के मदद से ट्रांसलेट किया, जबकि मेन क्लॉज को विल के मदद से ट्रांसलेट किया। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको पहला कंसेप्ट समझ में आया कि अगर आप एक ऐसा कंडीशनल सेंटेंस बोल रहे हैं जहाँ दोनों क्लॉज फ्यूचर में हो, तो इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए आप इफ क्लॉज को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के मदद से बोलें और मेन क्लॉज को विल के मदद से बोलेंगे। आइए फ्रेंड्स अब दूसरा कंसेप्ट समझें। पास्ट कंडीशनल सेंटेंस में आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं अगर आप केयरफुली नहीं देखेंगे तो, क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। अगर आप कंफ्यूज हो जाएं तो इस वीडियो को दोबारा जरूर देखें ताकि इस कंसेप्ट को आप आसानी से समझ सकें। कुछ ऐसे कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं जहां इफ क्लॉज पास्ट में रहता है और मेन क्लॉज फ्यूचर में होता है। तो चूंकि इफ क्लॉज पास्ट टेंस में होता है इसलिए हम उसे सेकंड फॉर्म के मदद से ट्रांसलेट करते हैं और हम मेन क्लॉज को वुड के मदद से ट्रांसलेट करते हैं। यहाँ पर याद रहे वुड के बाद आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। और यहाँ पर मैं आपको एक और खास बात बता दूं, भले ही पास्ट कंडीशनल सेंटेंसेस सेकंड फॉर्म की मदद से
से ट्रांसलेट होते हैं, लेकिन इनका सेंस प्रेजेंट का होता है, यानी बात प्रेजेंट की होती है। लगता है आप समझे नहीं। आइए कुछ एग्जांपल्स देखें ताकि आप इस बात को आसानी से समझ सके। अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे इफ यू चीटेड मी आई वुड कॉल द पुलिस, यानी अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। यहाँ आपका इफ क्लॉज पास्ट टेंस में है, जहाँ मैंने बोला अगर तुमने मुझे धोखा दिया, इसीलिए इसका ट्रांसलेशन आप ऐसे करेंगे इफ यू चीटेड मी, यानी आप लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद आप सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। और आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने मेन क्लॉज को वुड के मदद से ट्रांसलेट किया है और वुड के बाद मैंने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा है। अगर चोर घर में आया तो मैं शोर मचाऊंगा, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे इफ अ थीफ इंटर्ड इन माई हाउस आई वुड मेक अ नॉइज, यानी अगर एक चोर मेरे घर में आया तो मैं शोर मचाऊंगा। यहाँ मेरा पहला सेंटेंस जहाँ मैंने बोला अगर एक चोर आया, ये पास्ट कंडीशनल सेंटेंस है, इसीलिए मैंने इसे सेकंड फॉर्म के मदद से ट्रांसलेट किया, जहाँ मैंने बोला इंटर्ड और उसके बाद मेन क्लॉज को मैंने वुड के मदद से ट्रांसलेट किया और वुड के बाद मैंने बोला वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। हो सकता है कि आप ये सोचें कि यहाँ वुड के बाद है प्लस थर्ड फॉर्म लिखा जाएगा, लेकिन मैं आपसे कहूंगा ऐसा सोचना गलत है। वुड है प्लस थर्ड फॉर्म का कंसेप्ट अलग है, जो मैं आपको इसके बाद बताऊंगा, यानी जब मैं आपको टाइप 3 बताऊंगा तो वहाँ मैं आपको बताऊंगा कि वुड है प्लस थर्ड फॉर्म का क्या इस्तेमाल है। अगर वह मुझे धमकाने की कोशिश किया तो मैं आपको बता दूंगा, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे इफ ही ट्राई टू थ्रेटन मी आई वुड इन्फॉर्म यू। यहाँ मैंने पहले सेंटेंस में बोला अगर उसने मुझे धमकाने की कोशिश किया, ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है, इसलिए मैंने यहाँ पर सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया जो है ट्राइड, यानी ट्राई का सेकंड फॉर्म लिखा और मैंने मेन क्लॉज को यानी दूसरे क्लॉज को वुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देकर अपने सेंटेंसेस को ट्रांसलेट किया। अगर मेरे पास एक छाता होता तो मैं तुमको देता, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे इफ आई हैड एन अम्ब्रेला आई वुड गिव यू, अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं तुमको देता। इफ आई हैड मनी आई वुड गिव यू। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपने दूसरा कंसेप्ट समझा कि पास्ट कंडीशनल सेंटेंस क्या है, यानी अगर आपको एक ऐसा कंडीशनल सेंटेंस मिले जिसका पहला हिस्सा पास्ट में हो और दूसरा हिस्सा फ्यूचर में हो, तो इस तरह के कंडीशनल सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले इफ क्लॉज को आप सेकंड फॉर्म के मदद से ट्रांसलेट करें और मेन क्लॉज को आप वुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देकर ट्रांसलेट करें, जैसा कि मैंने यहाँ पर किया है। आइए अब तीसरा यानी परफेक्ट कंडीशनल सेंटेंसेस को देखें। कई बार हम अपने लाइफ में कुछ ऐसे कंडीशनल सेंटेंसेस बोलते हैं जहां हम कहते हैं कि अगर ऐसा हुआ होता तो वैसा हो गया होता, यानी इस तरह के सेंटेंसेस का सेंस होता है ना ऐसा हुआ ना वैसा हुआ। जैसे मान लीजिए अगर कोई कहे अगर वह मुझे गाली दिया होता तो मैं उसे पीटा होता, तो इस सेंटेंस से पता चला न उसने गाली दिया और ना मैं उसको पीटा। अगर वह मुझे दावत दिया होता तो मैं पार्टी में गया होता, तो इस सेंटेंस का सेंस है कि ना उसने मुझे दावत दिया और ना मैं पार्टी में गया। तो इस तरह के कंडीशनल सेंटेंसेस जहां आप कहते हैं अगर ऐसा हुआ होता तो वैसा हो जाता, यानी ना ऐसा हुआ ना वैसा हुआ, को बोलने के लिए हम परफेक्ट टेंस का सहारा लेकर अपने सेंटेंसेस को बोलते हैं। यानी इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए जो आपका इफ क्लॉज है उसे आप सब्जेक्ट हैड प्लस थर्ड फॉर्म के मदद से बोलेंगे और जो आपका मेन क्लॉज है उसे आप सब्जेक्ट वुड है प्लस थर्ड फॉर्म के मदद से बोलेंगे। कैसे बोलेंगे आइए कुछ एग्जांपल्स देखें ताकि आप इस बात को आसानी से समझ सकें। अगर वह मुझे गाली दी होती तो मैं उसको पीटा होता, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे इफ सी हैड अब्यूज्ड मी आई वुड हैव बीटन हर, यानी अगर वह मुझको गाली दी होती तो मैं उसको पीटा होता। यहाँ इस सेंटेंस से जाहिर है कि ना उसने मुझे गाली दिया और ना मैंने उसको पीटा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए मैंने इफ वाले क्लॉज को सब्जेक्ट हैड प्लस थर्ड फॉर्म के मदद से ट्रांसलेट किया है, जबकि मेन क्लॉज को सब्जेक्ट वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म के मदद से ट्रांसलेट किया है। अगर आप मेरे पास आए होते तो मैं आपको इंग्लिश सिखा दिया होता, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे इफ यू हैड कम टू मी आई वुड हैव टॉट यू इंग्लिश, यानी अगर आप मेरे पास आए होते तो मैं आपको इंग्लिश सिखा दिया होता। बातों से जाहिर है कि ना आप मेरे पास आए ना मैंने आपको इंग्लिश सिखाया। और आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ इफ क्लॉज को सब्जेक्ट
सब्जेक्ट हायर प्लस थर्ड फॉर्म की मदद से ट्रांसलेट किया गया है, जबकि मेन क्लास को सब्जेक्ट उड़ाए प्लस थर्ड फॉर्म की मदद से ट्रांसलेट किया गया है। अगर आप मुझे धोखा दिए होते तो मैं आपको जान से मार दिया होता। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे इफ यू हैव चीटेड मी आई वुड हैव किल्ड यू, यानी अगर आप मुझे धोखा दिए होते तो मैं आपको जान से मार दिया होता। इस सेंटेंस को सुनकर ये जाहिर हुआ कि ना आपने मुझे धोखा दिया और ना मैंने आपको जान से मारा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि ये तीनों क्लॉज आपको शानदार तरीके से समझ में आया और अब आप कंडीशनल सेंटेंस को लेकर कंफ्यूज नहीं रहेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप एक कंप्लीट लर्निंग चाहते हैं तो आप मेरे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छा लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।